विंटर स्पेशल ताजे हरे मटर के पराठे की रेसिपी आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाना बिल्कुल भी आसान है और इसमें मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। खाने में ये तो गजब का टेस्ट होता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ मैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई में एक बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म करेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच खड़ा जीरा डाल के, और जीरा चटकने के बाद इसमें 5 हरी मिर्च है, 10 लहसुन की कलियां हैं, उनको भून के, और उसके बाद 1 कप मैंने ये ताज़ा हरा मटर लिया है। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, फिर इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें सिर्फ आधा चम्मच गरम मसाला का इस्तेमाल हुआ है। गरम मसाला ऐड करके इसको फिर 1 मिनट के लिए भून लेंगे। मटर भुन चुके हैं, अब उनको साइड में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तब इसके लिए डो तैयार कर लेंगे पराठों के लिए। तो आटा लिया है मैंने, इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करके और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब ये जो मटर है ये ठंडा हो चुका है, इसको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का दरदरा रखना है इसको। अब हम लोग एक आटे का थोड़ा सा बड़ा लोई लेंगे, रोटी से थोड़ा बड़ा। अब इसको गोल गोल करके लोई बनाएंगे, उसके बाद इस फिलिंग को इसमें फिल करेंगे। अब फिलिंग जितना ही ज़्यादा इसमें डालेंगे उतना ही पराठा टेस्टी बनता है, लेकिन हाँ जितना आप इसमें फिल कर सकें, क्योंकि बाद में बेलने के टाइम में बहुत ज़्यादा फिलिंग रहता है तो निकलने लगता है साइड से। इसको लॉक कर लें, फिर हाथों से थोड़ा सा इसको पहले फ्लैट करें, चारों तरफ अंदर का फिलिंग फैल जाए। अब इसको बेलन से बेल लेंगे, हल्के हाथों से इसको बेलेंगे नहीं तो ये तुरंत निकलने लगता है साइड से। अब तवा गरम करके उस पर सेकेंगे पराठे को, मीडियम फ्लेम पे पराठे को सेकेंगे। इसको पलट के इसमें कुकिंग ऑयल, आप चाहें तो बटर, घी या कुकिंग ऑयल किसी से भी सेक सकते हैं। वैसे कुकिंग ऑयल से सेकने से पराठे एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो लगा के उलट पलट करके इसको क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। पराठे सिक चुके हैं, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है दिखने में। दोनों साइड से इसको क्रिस्पी होने तक उलट पलट करके ऐसे ही सारे पराठे सेक लेंगे। पराठे सिक चुके हैं, बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हैं। इसको मैंने ये टमाटर की मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको तीखी चटनी, हरी चटनी या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा कट लगा के पराठों को देखते हैं कि अंदर का फीलिंग कैसा लग रहा है। चाकू से कट लगा के देखिए, गजब का लग रहा है। देखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है, अमेजिंग लग रहा है। खाने में तो पूछना ही नहीं है टेस्ट का। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे तो मेरे पेज को फॉलो करें। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।